हेलो बच्चों, कैसे हो? चलिए अभी हम और कुछ और तीन अक्षर वाले शब्द देखते हैं। आज के कौन कौन से तीन अक्षर वाले शब्द हैं उनको हम एक बार देखते हैं। चलिए तैयार हो ना। आप पहले इनको अपने बुक में भी है आपके ये सारे तीन अक्षर वाले शब्द रोज पढ़ो। जो पहले हमने ऑलरेडी सीख लिया है उनको भी आप एक बार डेली पढ़ो, ठीक है? तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है देखते हैं। क्या लेटर है ये? प। ये क्या लेटर है? ह। ये क्या है? र। सही। सो प ह र क्या वर्ड बन जाएगा हमारा? पहर। पहर मतलब होता है समय, ठीक है? मॉर्निंग से आफ्टरनून जो 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 टाइम स्लॉट होता है ना, दोपहर बोलते हैं आफ्टरनून को। सो समय, समय को हम बोलते हैं पहर, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्या लेटर है ये? फर्स्ट बताओ ये कौन सा लेटर है? न, है ना? ये क्या है? ग। ये यस र। सो क्या बन गया हमारा वर्ड? नगर। नगर मतलब क्या होता है? नगर मीन्स सिटी। शहर को हम, सिटी को हम नगर कहते हैं, ठीक है? नगर सिटी। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज दिस लेटर? ट। गुड। ये क्या है? ह। और ये ल। सो ट ह ल। टहल। टहल मतलब क्या होता है? वॉक करना, टहलना। सो मॉर्निंग वॉक करते हैं ना हम, मॉर्निंग वॉक, सो उसको हम बोलते हैं टहलना। जब वॉक करते हैं लीजरली, आराम से जो वॉक करते हैं उसको हम कहते हैं टहल, ठीक है? इसके बाद है क्या लेटर है ये? ब। ये है ट न। क्या बन गया? बटन। क्या बन गया? बटन। बटन मतलब आपकी शर्ट्स में होते हैं ना, आप जो स्कूल शर्ट पहनते हो और एल्स एनी अदर शर्ट व्हाट यू आर वेयरिंग, यू हैव बटन्स। सो बटन, ये है बटन। आपके पैंट में भी होता है, शर्ट में भी होता है, फ्रॉक में भी होते हैं, है ना? बटन। ये क्या लेटर है? ज। गुड। और ये ल। एंड नाउ न। क्या बन गया वर्ड हमारा? जलन। व्हाट इज दिस वर्ड? जलन। जलन मतलब क्या होता है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी आपका हाथ जल जाता है, देखो कभी अगर आपका हाथ वगैरह जल जाता है तो दैट द पेन इज कॉल्ड जलन, ठीक है? जलना जो जल जाता है ना उसको कहते हैं जलन, ठीक है? और एक बार देखते हैं पहर। पहर। पहर मीन्स टाइम, ठीक है? नगर। नगर नगर मतलब सिटी। टहल। टहल टहल मीन्स वॉक, वॉकिंग करना। बटन। बटन बटन मतलब शर्ट एंड पैंट का जो बटन होता है उसको हम बटन कहते हैं। जलन। जलन जलन मीन्स कभी अगर आप हाथ जब जल जाता है तो उसको कहते हैं जलन। पहल नगर, टहल बटन जलन। सो ये है आज के आपके पांच वर्ड्स, ठीक है? इनको आप ध्यान से देखो, वीडियो को देखो और मेरे बाद इनको बोलने का प्रैक्टिस करो, ठीक है? और आपने अपने वर्कबुक में, आपके वर्कबुक में आपका पेज नंबर दिया गया, टास्क दिया गया है, इन वर्ड्स को लिखो, ठीक है? और इसके बाद आप इनको पढ़ो। जब भी आप लिखते हो रीड एंड राइट, इन योर राइटिंग थ्री लेटर वर्ड्स और टू लेटर वर्ड्स, एनी वर्ड्स व्हाट यू आर राइटिंग, रीड एंड राइट सो दैट यू विल हैव प्रैक्टिस, ओके? रीड एंड राइट एंड यू विल नॉट फॉरगेट द लेटर्स ऑल्सो, यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई द लेटर्स, ठीक है डियर? चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, बाय ऑल ऑफ यू।